जैसे पढ़ा हुआ तो उनकी ताजल साहब की शायरी में बुधी कर मुझी दिलचस्पी पैदा थी खास तौर से कलाम बुध में खास तौर से जी ताजल साहब की बोली हुई सवली बोली जी गोठानी बोली जी चेजे वह असर कदी बिल्कुल जो दिली दिल से वही असर करे वहाँ तमाम मुँह असरायती होंगी खास तौर से ताजल साहब की जी बोली मतलब पुराना लफ्ज जो बराड़ी लफ्ज या कि जैसे कल्चर डिपार्टमेंट में मुझी नौकरी थी ताजल साहब से मुझे वास्तो थो नौकरी के हवा से ताजल साहब के तमाम दरवेश फकीरान तबियत वो मू सो ओ खिल भोग जो भी टाइम वेहन तो सदाई मजाक से कदें भी उन पान के महसूस न कराया तो एडो वो शायर आया खास तौर से थोड़ो भी शायर थन था अजकल उन तबियत वो पाँच थी वेंदी पर कदें भी कंखे भी मायूस न कर जैं भी वेठो जो भी अरसों वेठो तमाम खिल भोग वो मजाक वो ए सदाई जैसे भी नई शायरी खड़ी तो अच्छी बुधाई तो अजा मंजूर वे बुध ही मैं नव शेर चाहिए बुध वो मूसा तमाम मोहब्बत जो रिश्तों हुस उन कड़ा लफ्ज हुजन जो चवा तमाम वो मूँ शायर तो घना ही है पर उनके एडी लफ्जन की समझ हुई वो एडो कम अस सवलो कर उनकी शायरी में तक को गरो लफ्ज न मिल जैसी फोनेटिक्स खराब हुए या उनके गायण से को 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 तासुर खराब थी हुए उनके खी चे या कुदरत हुई हासिल तो या तो उनके धुन दियो तक धुन से लिखी दी या पान भी जो शायरी कह उनके पान थोड़ी म्यूजिक की जान भी हुई पान भी थोड़ा जुंगारी हो तो उनकी खास गाल हुई तो उनकी जो शायरी तमाम सवलाई से कंपोज थी पे सगी हर मानू उनके सवलाई से गाय पे सको उनमें न सिर्फ ये एक गायण वाली शायरी न हुई बल्कि उनमें काफ़ी कंटेंट वाइज भी काफ़ी उनमें तहे मवाद भी उन शायरी में मिलो उनमें तहे इमेजरी मिली तहे तमसीलू मिली तहे उनमें हुबुल वतनी मिली तो मां समझा तो इन युग में तमाम जल्दी हलो वो तमाम पंज लिहाज का वो शायर मरण से दुख सब जो तो थे अजीजन के मुख्य बहरहाल उनो दुख आो गम आने मरण भी नेचुरल मुझे गम भी नेचुरल आई जिंदगी आई सिलसिलो हलो बाकी ताजल अंदाज जो स्टाइल जो निरालो ए तमाम सुठो शायर हो मां उन चवंदो आया तो हुन जो सिंध से वहदतुल वजूद जो रिश्तो जो सूफी जो थींदो आ सारी सिंध जका है सा हिन जी कलाम मां पांजो पान के इजहार पई करे अड़े किस्म शायर बाकी हाँ ये जे केन तो हुन में मैसेज कोनो या यो इयो ही मैसेज आ जेका बोली आम मानन में गलाई थी वने उनी बोली के शायरी जो रुतबो देण शायरी बणाण ताजल बेवस के संदस खिदमतन एवज सिंध के मुख्तलिफ इदारन पारा मनीता अवार्ड पिण दिना वया जेके संदस फर्जन आई न्याणी वसूल कया ताजल बेवस की शायरी आई संदस औलाद सा शफकत आई घर भातियन सा सलूक बाबित संदस घर भातियन मेहरान टीवी के पांजा विचार कुछ हिन रीत वन दिया शायरी तो हाँ ताजल जड़ो को लफ्ज ठाठ सिंधी लिखी न दिखारे मतलब अड़ी शायरी के थो करे सके ताजल जड़ी हर एक लफ्ज जड़ो उन मोती मोती दाना ताजल बस सारी जिंदगी साण ही रहो बारह बचा डी मुखे मूसा साण आन मतलब तमाम बेहतरीन मानू अला उनके जन्नत नसीब करे बस हाँ इो ही चई था सकूँ पी घर में भी कराइंदी आ कुरान खानी बो तो हाँ खुदा तू उन जन्नत में जाए दे अड़ो शायद कंखे वर मिले अड़ो शायद कंखे पी मिले अड़ो शायद सिंध वासन के को सिंध वासन जो अब न मुझो तो को मुझे बच्चन जो अब हो तो सजी सिंध जो घो वो पाँच सिंधन ला कसन एडो टाइम घर में माँ ही कदी हस शायर तो तमाम बेहतरीन किस्म जो शायर हो पर वालदीन तमाम अस हद का प्यार कंदो पांजे औलाद सा सबनी सा तो अस दोस्त हो अस वालिद भी हो पर ज्यादा असा दोस्त भी हो बाबा ताजल बेवस एज अ वालिद की हैसियत में
असो बिल्कुल ही वो बाबा जो सो ख्याल रख हर पी जो फर्ज़ है पाँच औलाद जो ख्याल रख पर अस लगन तो बाबा असो ख्याल रख छो जो मुख्य पा बार आन पर मां भी ओतो नो ख्याल रखी सक बाबा हर वक्त अस पुछंद असि का जरूरत हो जी, का भी हर शे होंगी तो भी चवंदा न ये शे ना ये मैं वही दें स्कूल के बारे में पुछण वालिद तो हाँ लाजमी आने पुट ला बच्चन ला बाकी बाबा एक एज अ शायर उन हिसाब बाबू तमाम एक नफीस इंसान हो सिंध से मोहब्बत कंदो पाई धरती से मोहब्बत कंदो हर उम्र के मानू सा बार हुए वो हो बाबा की उम्र जो हो सभी सा दोस्त हों एज अ फादर तो मैं उन्होंने कदें भी न दिठो पर एक सुठो दोस्त दिठो हमेशा जिंदगी भर नंढे होंदे का वे होंदे ताई कदें बाबा असेंगे चमाट भी ना आई पर एक सुठे दोस्त वागुर समझाइंदा हुआ हर कम के लिए शायर तो हाँ तुम पा ऐसो था बाबा जो नालो आ सिंध के लिए सिंध अजीम हीरो हो बाबा यो बाबा के वे का मैं तो शायद यो समझा तो कुछ अरसो न पर घने अरसे ताई शायद ही बाबा जो ख्याल भरजी सके यो एक वो लॉस आ असाई सिंध के सिंध सकाफत खाते सेहत खाते पारा गुजियल डेढ़ साल का सिंध नाले वारन अदीबन शायरन फनकारन दाद धणियन जा दिहाड़ा मल्हाया पिया वनन सकाफत खाते के अड़े अमल से सिंध के दाद धड़ियन अदीब खेन दाद डेई रहा सकाफत खाते के सेक्रेटरी शम्स जफरानी ताजिल बेवस की शायरी शख्सियत बाबित गालाइंदे चवे तो सिंधी जबान जो वो शायर हो खास कर उन वाई काफ़ी में पैंजो पान के मंजरा उनकी जी शायरी है लिख तमाम घणो हो सुठो लिख घो लिख संदस जबान हुई वह तमाम आम फहम बहराड़ी वारी निज साफ हुई यो ही सबब है तो वो न सिर्फ सिंध में बल्कि हिंद में भी ढो पॉपुलर हो अज भी ऐसो था तो उनका जी कौमी गीत या उन नज़्म वो एतरा ही पॉपुलर जी उन जिंदगी में हुआ उन घणो शायरी कई जी किताब छपल अस उन में बिन टिन किताब जी सफरनामा उन अलावा घणो कर शायरी थे आऊँ समझा तो ताजिल बेबस जो विछोड़ो सिंधी अदब में वो ख्याल है जो कि भरण में तमाम घो वक्त लगत प्रोग्राम के आखिर में महफिल मौसीकी जो पिण बंदोबस्त कयो वियो हुयो सिंध के बिन भलोर रागियन सादिक फकीर हनीफ लाशारी पांजा सुर वखेरे खूब दाद वसूल कई इनमें को शक ना है ताजिल बेवस सिंध जो सुर मोड़ शायर हुयो सिंध के सरकारी तोड़े निजी अदबी इदारन के घुर्ज सिंध के नाले वारन अदीबन शायरन दाद धुणियन जा दिहाड़ा जरूर मिलाए तो जी नई नस्ल के पांजे अनमोल किरदारन बाबत जान मिले न सिर्फ जेको गुजरी विया आहिन उन्हें के याद कयो उन्हें पर जेके जिंदा आहिन उन्हें के भी संदस हयाती में मनीता डियन लाय डी मलाया वनन तो जी सिंध जा ये दाद धणी पांजी हयाती में ही समूरी खुशियों मोहब्बतों दिसी सगन चंगो बिताई आओ।